सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में जीवन जी ने बता दिया। अगेन मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम खेम थापा है, मैं वेस्ट बंगाल सिलगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक्स आर्मी हूँ और 18.5 साल मैंने इंडियन आर्मी में सर्विस किया। उसी दरमियान ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सेफ सब जैसी महान अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो मिलने के बाद में मैंने यहाँ से क्या क्या अचीव किया, मुझे मेरी जिंदगी में क्या क्या संघर्ष रहा और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मुझे क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी या क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सारे लोगों को रॉयल क्रांतिकारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से सभी रेड क्लब की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं उन महान विजनरी पांचों पांडव का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने हमको इतनी बड़ी महासागर बनाई और जिस महासागर में आप हम सभी डुबकी मारने का सौभाग्य मिला है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर मिस्टर रजत वर्मा का हम स्वागत करना चाहते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस मिस्टर हरीश सोंदी, डायरेक्टर टेक्निकल मिस्टर सिद्धार्थ सेगल और डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर राजू आनंद और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर राजपाल अरोड़ा का। इन पांचों पांडवों का हम सभी लोग एक जोरदार ताली से इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी का मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन सारे पांडवों के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, जिनकी बदौलत आज आप और हम सुबह सुबह इस तरीके से एकत्रित होने का सौभाग्य हमको मिला है। तो दोस्तों आगे धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे महागुरुओं को जिन्होंने एक ऐसी पहला स्टेप है, इसके बिना आप और हम ना तो टीम खड़ा कर सकते हैं, ना तो हम अपनी लेवल को बना सकते हैं, ना तो हम बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, ना तो हम अपना अचीवमेंट बना सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप है, इसको बहुत जरूरी होता है दोस्तों, इस स्टेप को बड़ी बड़ी ध्यान पूर्वक इस काम को करना होता है। तो आज उस सेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिस सेशन का नाम है दोस्तों इनविटेशन, निमंत्रण देना, आमंत्रण करना, बुलाना। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि ये इनविटेशन सेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप ही सभी से बात करना चाहूंगा, ये इनविटेशन सेशन तब होगा जब हमारे पास सपने होंगे। जब तक हमारे पास सपने नहीं होगा तब तक हम इनविटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सपना हमारा रीजन होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं होगा किसी से बात करने का, किसी से बोलने का, तब तक हम ये इनविटेशन सेशन शुरू नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले ड्रीम होगा और उसके बाद आप और हमको इनविटेशन करने के लिए दोस्तों आप और हमारे पास नाम की सूची होगी, यानी कि लिस्ट होगी। तो ये दो चीज के बिना कभी भी इन्विटेशन सेशन आगे बढ़ता नहीं है, शुरू होता नहीं है। तो ये दो चीज होना बहुत ही जरूरी है, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है दोस्तों ये दो चीज आपके पास पक्का है। तो दोस्तों सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज है ड्रीम, सपना। तो दोस्तों जब तक हमारा एक बर्निंग डिजायर, एक ठोस ड्रीम नहीं है हमारे अंदर, मैं ये काम को क्यों करना है और लोगों को क्यों बताना है, तब तक हम कभी भी इनविटेशन सेशन नहीं कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम ड्रीम की। तो दोस्तों सपने के बारे में बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके पास सपने हैं? तो सारे लोग बोलेंगे यस यस। तो मैं फिर पूछना चाहूंगा, अगर आपके पास सपना है तो कौन से सपना है? कहीं अपलाइन के लिए देखावटी तो नहीं है, कहीं अपने परिवार के लिए देखावटी तो नहीं है, कोई बनावटी तो नहीं है कि अपलाइन को फीडबैक के लिए देने के लिए? तो दोस्तों या आपके पास रियलिटी सपना है? अगर माय डियर फ्रेंड ये जो रियलिटी सपना है, अगर जिनके पास रियलिटी सपना है उसका दमदार इनविटेशन होगा दोस्तों,
और दमदार इनविटेशन होगा तो दोस्तों बिजनेस भी दमदार होगा। तो अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में आपका रियलिटी सपना होना चाहिए, तब जाकर आप इनविटेशन कर पाएंगे। दोस्तों क्या सारे लोगों के पास अपना खुद का रियलिटी सपना है? यस सर, शायद पक्का। क्योंकि जो रियलिटी सपना आपको बैठने ना दे, ढंग से सोने ना दे, चैन की नींद ना दे, तो आपको हमेशा आपके अंदर एक आग पैदा करें, उसको बोलते हैं रियलिटी सपना। तो सारे लोगों के पास इस चैनल में मैं देख रहा हूं, सारे लोगों के पास रियलिटी सपना है। अपने रियलिटी सपने को पूरा करने के लिए इस पैनल में और सेफ सब के अंदर आए हैं। तो आप जैसे रियलिटी सपना वाले, आप अपने सपने के प्रति दीवाने वाले के लिए मैं चाहता हूं अपने लिए एक जोरदार ताली बजाए दोस्तों, एक जोरदार ताली। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम, ये इनविटेशन कैसे होता है, हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये सेफ शॉप के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनविटेशन कैसे करें, वैसे तो माय डियर फ्रेंड इनविटेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है कि दोस्तों कॉमन सेंस का गेम है ये इनविटेशन, और प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, जिस तरह साइकिल चलाने का कोई कोर्स नहीं होता है, उसी तरह इनविटेशन का भी कोई कोर्स नहीं होता है। बस दोस्तों कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर आइडिया, बस ये जो एक कॉमन सेंस, अपना दिमाग लगाकर कि सामने वाला व्यक्ति कैसा खड़ा है, उसको क्या चीज की नीड्स है, क्या चीज की जरूरत है, ये कॉमन सेंस लगाकर बात करने की एक माध्यम है, और थोड़ा सा आइडिया बनाकर बात करने की माध्यम है कि किस आइडिया से, किस विचार से अगर मैं इनसे बात करूं तो हो सकता है ये मेरी बातों को सुनने के लिए राजी होंगे, इस तरीके से कोई आइडिया लगाने का है। लेकिन दोस्तों इनविटेशन करते समय ऐसी बेसिक बातों को ध्यान देना जरूरी है, जो कि डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है। कि जब भी आप इन्विटेशन करते हैं दोस्तों, ये डोंट्स एंड डूज की ख्याल रखिएगा, तब जाकर आपका इनविटेशन सेशन दमदार होगा, आपका इफेक्टिव इनविटेशन होगा, असरदार इनविटेशन होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं ये डोंट्स एंड डूज क्या है। तो दोस्तों यहां पर इनविटेशन में लिखा गया है, बार बार कहा जाता है, एक बार करो खर्चा और रोज करो चर्चा। तो दोस्तों आप और हमने एक बार खर्चा करना है ये बिजनेस में, और जीवन भर चर्चा करना है। बस इसी काम करने से ही आप और हम यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके नीचे एक लाइन में लिखा है, द क्रश ऑफ बट हाउ यू से इट। तो दोस्तों यहां पर ये बताया गया है कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाले के सामने, उससे कोई उनके सामने, इससे फर्क पड़ता है। ये जो थोड़ा सा कमन इनविटेशन करते समय ये जो लिखने वाली बातें आपके लेफ्ट स्क्रीन में दिख रहा है, डोंट डू नॉट डिस्कस। तो यहां पर लिखा है नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, प्लेस इन हॉरी। तो दोस्तों ये जो पांच चीजें कभी भी सर आप सुन पा रहे हैं? आप ना अपना वीडियो ऑफ कर लो सर। एम सर आपके उधर थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज लग रहा है सर, आप वीडियो ऑफ करके। आना जाना चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी सर, सब ठीक है सर। हाँ जी सर, आप ना अपना वीडियो ऑफ कर लो सर, वीडियो।
जी जी सर, स्क्रीन आ रही है सर? यस सर, स्लाइड अभी तक ऑन नहीं हुआ है सर। ये स्लाइड ओपन हुआ नहीं? हाँ सर, हाँ सर, आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया ना? यस सर, यस सर। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था जो ना करने वाली ड्रोन्स, कभी इनविटेशन के टाइम में आपको ना करने वाली बात, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम कभी नहीं बताना, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना होगा, पैसा कितना लगता है, और कभी भी बड़े बड़े भीड़ भड़ाके में, चौराहे पे, पब्लिक प्लेस में डिस्कस ना करें, कभी भी जल्दीबाजी ना करें। क्योंकि दोस्तों ये चीज क्यों ना करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हमको भी अगर ये सारी चीजें, अगर सारे चीजें अगर शुरू में ही डिस्कस किया होता तो दोस्तों आज हम रूबी नहीं बनते, इस लेवल पे नहीं आते। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों आज हो सकता है बहुत सारी ऐसी कंपनी मार्केट में, मनी मार्केटिंग कंपनी ने लोगों को बहुत बर्बाद किया है, तो हो सकता है पहले किसी गधा ने लात मारा होगा, तो आज आपके हाथी को भी वही चार पैर का गधा समझने की शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं आपको ये नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर नीचे फोटो में दिखाया गया है, तो पहले हम फिजिकल जो काम करते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलाते थे, अभी ये कोविड के टाइम में ये चीज नहीं करना है। जहां पर क्रस लगा हुआ है, अभी आपका काम है मुंह में मास्क होनी चाहिए, पॉकेट में सैनिटाइज का बोतल होना चाहिए, और दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करके किसी के साथ भी आप रिश्ता बना सकते हैं। तो इस तरीके से काम। अभी दूसरी आप राइट स्क्रीन में देखिए, डू ऑलवेज डू दिस थिंग, हमेशा ये चीज करने की आदत डालें। जब भी आप इनविटेशन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति से क्लियर द नाइट करिए। क्लियर द नाइट का मतलब कि कल आपका वेन्यू, कल आपका जो वेबिनार आजकल डिजिटल हो गया है, जो आपका जूम मीटिंग में जो आपका टाइमिंग है, उस टाइम का आप क्लियर करिए। सर कल आप शाम के 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1 घंटा आप फ्री हैं, तो तब आप बात को आगे बढ़ाइए। जब वो फ्री है बोलते हैं तो अगर वो फ्री नहीं है तो आगे बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों पहले क्लियर द नाइट करना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों जब भी ये जो हम फिजिकल काम कर रहे थे उस टाइम की बात है, ऑलवेज यूज इनविटेशन कार्ड, क्योंकि दोस्तों किसी को भी अगर सम्मान पूर्वक इनविटेशन करते हैं तो दोस्तों उसका असरदार इफेक्ट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे घर में कोई शादी है, अगर हम ऐसे ही घर घर जाकर 20 तारीख को शादी है आ जाना, 20 तारीख को शादी है आ जाना, ऐसा करते रहेंगे तो वो बातें इतनी इफेक्ट नहीं होगी। अगर उनके नाम पर बढ़िया सा कार्ड छपा कर, गणेश जी का फोटो लगाकर, अगर उनको स्पेशली लिफा के अंदर डालकर दे देते हैं तो दोस्तों उसका जरूर इफेक्ट होता है, उस इनविटेशन में जरूर लोग आते हैं। तो इस तरीके से कार्ड का इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों ये जो एक हफ्ते में आपका अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो दोस्तों 25 इनविटेशन कार्ड हफ्ते में आपका बांटनी चाहिए। जब तक आप 25 इनविटेशन कार्ड अगर नहीं बांटते हैं तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं होने वाला हो। तो दोस्तों अभी हम वेबिनार की बात करते हैं, जूम पैनल में जो भी प्रोग्राम चलता है, अभी आपका कम से कम भी आपका जो इनविटेशन कार्ड है, आपका ये जूम लिंक, ये लिंक आपको कम से कम भी 25 लोगों को एक बढ़िया तरीके से जूम का, जो जूम लिंक की कितनी वैल्यू देना है ये हम आगे बात करेंगे। तो 25 लोगों को आपने ये जूम की लिंक, आपका आज की करंट सिचुएशन का इनविटेशन कार्ड है, तो ये जूम की लिंक में आपका ये इनविटेशन कार्ड 25 लोगों को देना है। उसके बाद दोस्तों ये 3 फिट रूल को फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों ये 3 फिट रूल कितना बड़ा कारवां कर सकता है, मैंने अपनी किसी की जुबानी मैंने सुना है। क्योंकि दोस्तों बात करते हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी की, ओम प्रकाश जी एक दिन आगरा में, हमारे जो क्राउन एम्बेसडर लीडर, आगरा में अपने पिताजी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में गए थे, एमएच में। उस एमएच में नरसी ग्रेवाल सर वहां पर ड्यूटी करते थे। जब वो ड्यूटी करते थे तो उन्होंने पिताजी का जो एडमिशन कर लिए और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म मांगने गए थे, उस समय जब फॉर्म मांगते मांगते बातचीत हो गया, मैं भी एचडी क्लर्क हूँ, मैं भी ये एएमसी का क्लर्क हूँ बोल के जब इंट्रोडक्शन हुआ, ऐसे बातों बातों में ओम प्रकाश जी ने नरसी ग्रेवाल को बोला कि मैं
वॉलेंटियर जा रहा हूँ, VRS ले रहा हूँ आर्मी से। फिर नरसिंह गिरवाल ने देखा यार बंदा तो एकदम यंग है, अभी इस उम्र में क्यों वॉलेंटियर जा रहा है, आगे परमिशन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी का बहुत सुनहरा भविष्य मिल गया है, मेरा बहुत शानदार मेरी बिजनेस मिल गई है, अभी मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो जब ये बात सुनकर नरसिंह गिरवाल ने बोला, बाबूजी बोला, एक क्लर्क को बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी आप इधर बैठो, और चाय मंगाए, चाय मंगाकर उनको चाय दी है, और फॉर्म मांगे तो फॉर्म दिया नहीं, नहीं बाबूजी आपका VRS जाने का और आपका बिजनेस सुनहरा बिजनेस क्या है मेरे को पक्का बताओ। बताइए ओम प्रकाश जी, जब 3 फीट रूल में ऐसा बंदा मिले तो छोड़ेंगे? नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस दिन की 3 फीट रूल से देखिए, आज नरसिंह गिरेवाल ने 30 लाख का नेटवर्क खड़ा करके दिया ओम प्रकाश जी के नेटवर्क में। आज 6 बार क्राउन एम्बेसडर है। तो माय डियर फ्रेंड, इस कहानी से आप और हमको भी एग्जांपल मिलता है, कौन आदमी हमारे नेटवर्क में कितना बड़ा आग लगा सकता है, कितना बड़ा समुंदर खड़ा कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही नरसिंह गिरेवाल आपका भी मिलने वाला है दोस्तों, जब भी 3 फीट रूल में, चाहे ATM में, चाहे बैंक में, चाहे हॉस्पिटल में, किसी भी जगह में कोई भी मिले 3 फीट रूल में, तो दोस्तों अपनी बातें जरूर शेयर करें, ये आदत बनाइए दोस्तों, तब जाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे शेयर कहां से जुटा सकते हैं। ये 3 फीट रूल का कमाल है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये टी इज नॉट अलाउड। अभी वैसे तो इनविटेशन में कभी भी चाय कॉफी लस्सी का जिक्र नहीं करना है, हमारे अविनाश गुरु जी बोलते हैं हमेशा बार बार, फिर भी दोस्तों ये COVID-19 के टाइम में तो बिल्कुल किसी के घर में तो चाय पीना ही नहीं है, किसी के हाथों से चाय पीना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों तो ये जो दूज वाली बातें आपको हर रोज फॉलो करना है, और यहाँ पर लिखा भी है नीचे, बस हमारा काम क्या है, बस प्रोस्पेक्ट खोजना, हमारा काम है बस प्रोस्पेक्ट खोजना, फिर जल्दी से बता दो अपनी योजना। आपके पास जो भी चीज है ये बताने की आदत बनाइए दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कि सामने वाला व्यक्ति जरूर आपके प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए 10 बार कॉल करके आपको परेशान करेगा शाम के 5 बजे तक कल तक। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम कैटेगरी ऑफ पीपल, क्योंकि दोस्तों हमारे सामने ये इस कैटेगरी के लोग मिलते हैं ज्यादातर। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद वर्किंग या जॉब पर्सन, उसके बाद हाउसवाइफ और रिटायर पर्सन। तो अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके लिए पॉकेट मनी की जरूरत होती है, और जॉब पर्सन को अपनी कमाई की इनकम से अपना सपना पूरा नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो नहीं पाता है घर का, उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होती है। और जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए एक नीड पॉपुलरिटी, उनके लिए एक कोई अपनी अलग सा पहचान चाहती है वो। तो दोस्तों और रिटायरमेंट पर्सन को हमेशा एक मान सम्मान, एक रेस्पेक्ट की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजों को समझकर अगर हम ये सारे लोगों से अगर उसी हिसाब से बात करते हैं तो दोस्तों आप और हमारे इनविटेशन में 4 चांद लग जाता है। तो बात करते हैं अभी, जब भी आप इनविटेशन करते हैं दोस्तों, इनविटेशन से पहले आप जून इनविटेशन से पहले गेस्ट को, अभी हम ये जो डिजिटल इनविटेशन की बात कर रहे हैं, जो फिजिकल आजकल वेन्यू बंद हो गया, ये सेमिनार बंद हो गया, अभी वेबिनार का काम हो गया, तो दोस्तों जूम मीटिंग में आपने सबसे पहले जब भी किसी को इनविटेशन करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जूम क्लाउड मीटिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कराएं, और डाउनलोड कराने के बाद दोस्तों ये जो जूम लिंक ऐसे मंदिर की प्रसाद की तरह किसी को ना बांटे। कोई ऐसा ग्रुप बना रहा है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रहा है, कोई न्यू ग्रुप बना रहे, उसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जूम लिंक में अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर उसके लिए वही कहानी हो जाएगी, एक नाती और एक बुजुर्ग था, एक दादाजी और पोता था। तो एक दिन, और दादाजी अंधे थे, जन्म से अंधे थे, तो पोता ने बोला कि दादाजी खीर खाएंगे, बोला खीर, लेकिन वो दादाजी ने कभी खीर देखा ही नहीं था। तो दादाजी ने पूछा बेटा खीर कैसा होता है, तो दादाजी ने बेटे ने बोला, वो पोते ने बोला कि दादाजी खीर सफेद होता है। फिर दादाजी ने बोला यार सफेद कैसा होता है, तो वो पोते के सामने एक ग्राउंड में एक बकुल्ला वो चुग रहा था, वो कीड़ा मकुड़ा खा रहा था, तो पोते को बकुल्ला नजर आया, तो बोला
दादाजी सफेद तो बगुला जैसा होता है, फिर अभी दादाजी ने कभी बगुल्ले देखे नहीं थे, तो फिर दादाजी ने बोला कि यार बगुल्ला कैसा होता है। अभी फिर वो पोता चक्कर में पड़ गया, यार बगुल्ला कैसा होता है कैसे समझाऊं। कोई दादाजी का हाथ लेके आया और वही दादाजी का उसने हाथ पकड़ा, उस पोते ने दादाजी का हाथ पकड़ा माय डियर फ्रेंड, और हाथ पकड़ने के बाद दादाजी का हाथ पकड़ा, दादाजी मैं समझाता हूं बगुल्ला कैसा होता है हाथ दो, और हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद ऐसा बगुल्ला का आकार बनाया दादाजी का हाथ का, ऐसा करके बगुल्ला इतना लंबा और ऐसा करके, और दूसरा हाथ पकड़ के दादाजी का दूसरा हाथ पकड़ के फिर ऐसे टटोल ने बोला दादाजी ये देखो हाथ लगाओ यहाँ पे, बगुल्ला ऐसा होता है। तो फिर थोड़ी देर में दादाजी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड उस पोते को बोलते हैं कि तू बेवकूफ तो नहीं है कि इतना टेढ़ा खीर खिला के मेरे गले में बस फंसा के मारने की कोशिश कर रहा है तू। तो दोस्तों इस तरह की मतलब मैसेज जाती है कि उसी तरीके से अगर आप ऐसे ही बेमतलब की अगर जूम पैनल में या आप कहीं व्हाट्सएप में या ग्रुप में ऐसे ही अगर जूम अगर लिंक शेयर करोगे तो दोस्तों यही दादाजी और पोते की कहानी होगा, कोई समझ में नहीं आएगा। तो जूम की आपने बिल्कुल इसकी बढ़िया आइडेंटिफाई करके जूम की इम्पोर्टेंस बताएं और तब जाकर आपका ये बिजनेस दमदार होने वाला है, आपका इनविटेशन दमदार होने वाला है, आपकी गेस्ट को ये बिजनेस ये लिंक मेरे लिए कितनी मायने रखती है ये मैसेज जाने वाला है। दोस्तों सारे लोग पहले ये काम जरूर करें जूम लिंक को शेयर करने से पहले। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम तो इनविटेशन के समय में ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप स्टूडेंट को अगर इनवाइट करते हैं तो दोस्तों स्टूडेंट के साथ अगर उनको ये बता दे सर अगर आज इस जानकारी को, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य से ये मम्मी पापा के साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप भी अगर अपने मम्मी पापा या बड़े भाई के साथ में ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपका परिवार भी आपके लिए कितना प्रोत्साहित करेंगे। इस तरीके से आप उनसे बात करें। अगर कोई लड़की को अगर आपने ये जो लिंक भेज रहे हैं तो उनको भी माता पिता को साथ में रखकर ये प्रोग्राम अटेंड करवाएं, और वाइफ के साथ हस्बैंड को, हस्बैंड के साथ वाइफ को, अगर कोई ओल्ड एज के व्यक्ति के साथ उनके परिवार के कोई एक्टिव मेंबर को भी अगर इंक्लूड कर दे तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के बाद में आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो आप अगर इस तरीके से ये जूम के लिंक को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो दोस्तों वो व्यक्ति कुछ देर आपका लिंक ऑन करेगा और कुछ देर के बाद में वो गायब हो जाएगा, या तो उस इंफॉर्मेशन को इतने इम्पोर्टेंस तरीके से नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों ये बातें आप और हमको ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आगे कि जूम मीटिंग में गेस्ट के लिए जरूरी बातें। जब भी आप अपने गेस्ट को जब जूम मीटिंग में अगर इन्वाइट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उनको ड्रेस कोड के बारे में बताइए। तो सर आज आप जो मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं वहां पर ऐसी पर्सनालिटी के माध्यम से होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों आप और हमको पूरी हिंदुस्तान देख रही है, आप और हमारी जो सारी घर की बैकग्राउंड देख रही है वो सारे लोग। तो दोस्तों अगर आप सर अगर फॉर्मल ड्रेस में अगर रहेंगे तो सर, क्योंकि दोस्तों जो आदमी फॉर्मल ड्रेस में रहता है उनका दिमाग 3 गुना कोई भी चीज को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक अच्छा वातावरण इंसान को अच्छा विचार क्रिएट करवाता है। तो इस तरीके से आप ड्रेस कोड की बात करें। सर जब भी अगर आप ये लिंक में अगर बैठ जाते हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, तो सर कम से कम मिनिमम आपको 45 मिनट आपको कंसंट्रेट होकर ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कहीं जल्दीबाजी में कहीं चंद सेकेंड के लिए अगर यहाँ पर बैठेंगे तो ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये कुछ रेफ्लेक्शन आप और हम नहीं करते हैं। कोई बाइक में चल रहा होता है और कोई चिल्ला रहा होता है, कोई क्या कर रहा है होता है, तो आपकी ये जिंदगी बदलने वाली जानकारी आप मम्फूली का खेल बनाकर किसी को दे रहे होते हैं। तो दोस्तों ये बातें जरूर आपको अपने गेस्ट के लिए बताना जरूरी होता है। दूसरा दोस्तों ये भी बताइए कोई पीसफुल प्लेस, कोई शांत जगह ऐसा जहां पर आपको 30 to 45 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, कहीं हल्ला ना हो, उस एरिया में किसी का आना जाना ना हो, सर ऐसे जगह बैठिए, क्योंकि आपके जीवन का आपकी करियर का सवाल है, या आज का लिंक आपके जीवन बदल सकता है। इस तरीके से आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दे। उसके बाद दोस्तों
ये भी बात बताएं कि उनको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, तो दोस्तों उनको ये भी बताएं सर कि आप ऐसी जगह बैठे जहां पर आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही चलता हो। डिजिटल काम हो रहा है तो ये डिजिटल के लिए इनविटेशन कुछ टेक्निक है, हम फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी आज हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को, ये जानकारियां दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले इस सोशल मीडिया में आपको इनविटेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, FORM फॉर्म का। सबसे पहले इस ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड्स है आप उनके साथ पहले फॉर्म, ऐप का मतलब, पहला ऐप का मतलब फैमिली रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो उनके, अभी तो कोविड के जमाना टाइम चल रहा है दोस्तों, आप उनके परिवार के हालचाल पूछिए, सर घर में सब बढ़िया है ना, फर्स्ट क्लास सब ठीक है ना सर, अपना ध्यान रखना सर, कहीं भी निकलते हैं तो थोड़ा सैनिटाइज और मास्क का ध्यान देना, क्योंकि सर आप दुनिया के लिए एक इंसान हो लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो, ऐसा करके उनके दिल जीतने वाली बात करें, एक फैमिली रिलेशन की बात करें। उसके बाद दोस्तों उनके ऑक्यूपेशन क्या, हालचाल चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है सर, जॉब में क्या परेशानी आ रही है, बिजनेस में क्या परेशानी आ रही है, ऑक्यूपेशन की बात करें। उसके बाद दोस्तों आर का मतलब रिक्रिएशन, उनका हालचाल पूछो दैनिक की, सुबह से शाम, सुबह से 5 बजे तक क्या करते हैं, 5 बजे के बाद उनकी रूटीन क्या है, तो उसी हिसाब से आप उनको ये जो लिंक के बारे में, ये जूम के प्लान के बारे में आप इनवाइट करके ये प्रोग्राम में अटेंड करवा सकते हैं, तो ये बात करें। उसके बाद में एम का मतलब होता है मीटिंग या मनी की बात करें, तो मीटिंग की बात करें, और मीटिंग के बात करने के बाद में उन लोगों को आप ये बातें बताएं कि सर आज जब भागवत गीता महान वर्ल्ड की सबसे टॉप ग्रंथ आज हमारे पास है, तो आज हर कोई एक आध्यात्मिक ज्ञान लेना हर कोई चाहते हैं, आप इस मीटिंग के बाद आप इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इस ग्रुप में आपको इनवाइट करने के लिए सबसे पहले डायरेक्टली नहीं होगा दोस्तों, आप उनके साथ बढ़िया सा एक अपना रिलेशन अच्छा बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाकर आप उनके बारे में और ये लिंक के बारे में और अपने बिजनेस प्लान के बारे में आप सही तरीके से उनको अट्रैक्ट करा सकते हैं, प्रोग्राम दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये रिलेशन अपना अच्छा बनाना होगा इस ग्रुप में। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग, अगर इस ग्रुप में आज जो इन्विटेशन करने का थोड़ा सा मौका दिया तो दोस्तों इसी ग्रुप से भी बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो रहे, दिन भर फेसबुक में ही लगे हुए हैं, दिन रात मैसेंजर में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं। दोस्तों इसी में लगने से कुछ नहीं होगा, आपका इसका टाइमिंग बनाना पड़ेगा, टाइमिंग के हिसाब से करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारी जीवन में सबसे ज्यादा नॉन रेवेन्यू टाइम है, ये यहाँ पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो यहाँ पर एक टाइमली इसका इस्तेमाल करके आपको काम को आगे बढ़ाना है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों जूम वेबिनार में अप्रोच का तरीका, जूम वेबिनार में अप्रोच का तरीका, जैसे सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में, मैसेंजर में, फेसबुक में आप ऐसा टेक्निक भी अपना सकते हैं, जैसे फोन बुक हो गया, सोशल मीडिया में आप अप्रोच करिए अपने सीनियर, अपने सेफ शॉप के अपने सीनियर या किसी ऐसे व्यक्ति का जो ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा हो, तो आप ऐसा मैसेज भी उनको छोड़ सकते हैं, ऐसा फोटो के साथ पोस्ट कर सकते हैं, कक्षा 10 में 3 बार फेल हुआ व्यक्ति ने ऑडी कार लिया, अगर ऐसा भेज देते हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसा आता है आपके प्रति, वो पूछता है कि ये किससे लिया है, क्या करके आया है, ऐसा कैसे हुआ है। अगर इस तरीके से अगर कोई आपका अगर मैसेज देने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उनके साथ आप फिर इस तरीके से बात करते हैं कि हम आपको आज एजुकेशन और हेल्थ के बारे में 1.5 घंटा मतलब आधा घंटे की जानकारी देने जा रहे हैं, इस जानकारी को पूरे भारत के सभी राज्य के लोग लेने के लिए जूम मीटिंग में आ रहे हैं, सर क्या आप भी ऐसी जानकारी को लेना चाहेंगे, तो इस तरीके से भी आप इस तरीके का मैसेज छोड़ सकते हैं। जब आपका ये जो आपका यहाँ पर ये जो रेस्पेक्ट आ जाता है, तो आप जो मैसेज छोड़ने के बाद इसकी रिप्लाई आ जाती है, तो उनकी क्वेरीज होती है, जानने की इच्छुक होते हैं, तो दोस्तों इस तरीके का सवाल छोड़ सकते हैं, इस तरीके से आप टेलीफोन में बात कर सकते हैं, ये तरीका अपनाएंगे आपका ये सोशल मीडिया में काम करने के लिए। और आप ये भी बनाइए, जैसे हमारे कार्ड में होता है, एक व्हाट्सएप कार्ड बनाइए, डिजिटल कार्ड बनाइए, आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता,
ढेर सारा पैसा, बैंक बैलेंस, जायदाद, एक लाइफ स्टाइल जिंदगी इस तरीके का आप बना कर भी आप छोड़ेंगे तो उसमें भी आपका रिप्लाई आना शुरू होगा। उस तरीके से भी आप जूम में इंक्लूड कर सकते हैं लोगों को। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो दोस्तों लोगों से हमें ऑब्जेक्शन आता है। अभी जानते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है। जब भी आप किसी से इनविटेशन की बात करते हैं तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, अच्छा अच्छा वही MLM तो नहीं है, वो चेन बनाने की बात तो नहीं कर रहा है, कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं है, अच्छा वो कोई स्कीम तो नहीं है, डोर टू डोर वो सामान बेचने वाला तो नहीं है, इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी बाण की चोट सहन नहीं कर पाते तो हार्ट अटैक आ जाता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऐसा रिजेक्शन करे तो आपका सामने वाला व्यक्ति जो भी क्वेश्चन आपके सामने आया है, उस क्वेश्चन को आप खुद रिपीट करके और अंत में मतलब लगा दो। मतलब वो सामने वाला व्यक्ति बोले कि अच्छा MLM तो नहीं है, तो आप बोलो यार मैं समझा नहीं, MLM मतलब, ऐसा पूछो उसको। नहीं नहीं वो चेन बनाने वाली, अच्छा चेन बनाने वाली, कौन सा चेन बनाने वाली, मतलब चेन का मतलब, मतलब लगा दो। नहीं नहीं वही जोड़ने वाला, यार कौन सा जोड़ने वाला मैं समझा नहीं, मतलब। फिर बोलेगा अच्छा वो स्कीम वाला आता है ना डोर टू डोर सामान, यार डोर टू डोर सामान बेचने वाला कौन सा, मतलब। तो वो पागल हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति दोस्तों। फिर बोलेगा अरे तेरा बता क्या बताना चाह रहा है यार, देखो आपने बॉल कर दिया उसी को, बॉलिंग कर दी, अभी आपने उसी को सवाल करना शुरू किया। फिर वो बोलेंगे भाई साहब मैं तो आपके लिए आपके सपने की बात करना चाह रहा था, आप अपने लग्जरी जिंदगी चाहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा दिन देना चाहते हैं, मैडम के लिए अच्छा देना चाहते हैं, तो मैं तो आपके सपने की बात कर रहा था, पता नहीं आप तो ये क्या क्या बात कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर माय डियर फ्रेंड अगर कल 5:30 बजे अगर आपने अगर ये जानकारी लिया तो मैं लिख के देता हूँ आपके जीवन में 4 चांद लग सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो सवाल करते हैं ना दोस्तों, ये सवाल से मुझे एक कहानी याद आ गई कि दोस्तों एक बार की बात है, 5 अंधे को हाथी के बारे में बताने के लिए बोला, तो 5 अंधे को लाइन में खड़ा किया, पहला अंधे को ले जाकर हाथी का सूंड पकड़ाया, फिर दूसरा अंधे को ले जाकर हाथी का शरीर पकड़ाया, और तीसरा अंधे को हाथी का पैर पकड़ाया, और चौथा अंधे को हाथी का कान पकड़ाया, और 5वां अंधे को हाथी का पूंछ पकड़ाया। उसके बाद सबको 5ों को लेकर लाइन में रखकर पहले वाले को पूछा हाँ भाई हाथी कैसा होता है, तो पहले वाले ने बोला साहब हाथी तो सांप की तरह, अजगर की तरह होता है, बड़ा अजगर सांप की तरह होता है। तो उसी में दूसरा खड़ा होकर बोलता है नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है। सेकंड वाला बोलता है जिसने हाथी का पेट पकड़ा था साहब हाथी तो दीवार की तरह होता है। फिर तीसरा बोलता है ना ना साहब ये दोनों झूठ बोल रहा है, जिसने पैर पकड़ा था हाथी तो खंभे की तरह होता है। फिर चौथा खड़ा होता है नहीं साहब ये सब झूठ बोल रहा है, भाई हाथी तो बड़े सूप की तरह होता है जो कान पकड़ा था जिसने। फिर 5वां अंधा खड़ा होता है नहीं नहीं साहब ये चारों का चारों झूठ बोल रहा है, हाथी तो रस्सी की तरह होता है जिसने पूंछ पकड़ा था। तो दोस्तों ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी ऐसे 5 अंधे की तरह राय देने वाले होते हैं, क्योंकि दोस्तों आखिर हाथी हाथी होता है जो जिन्होंने देखा ही नहीं था खुद महसूस करके जो बता रहे थे। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने बड़े बड़े महान महारत लोग इस काम को करके आज दुनिया बना रहे हैं। आज दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग से ही आज पूरी वर्ल्ड में 75% लोग मिलेनियर ट्रिलियनियर है दोस्तों। ऐसे अंधे की तरह राय करते हैं, ऐसे अंधे की तरह अंधेरे में तीर चलाने वाले लोग आपको मिलेंगे, इनसे घबराना नहीं है। आज के बाद जो भी लोग जैसा भी सवाल करें ये पूरे सवाल, उनके सवाल को आप दोबारा रिपीट करके उसको बोलो मतलब मैं समझा नहीं क्या कहने चाह रहे हो, ये बोलने की आदत करें। हो पाएगा ऐसा तो दोस्तों हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, आपका सांस बंद नहीं होना चाहिए, आपकी बोलती बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप बहुत महान काम करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी महान चीज को लेकर किसी के सामने जा रहे हैं तो किसी की बातों में चप्पल पड़काने वाली बातों में आपको बिल्कुल स्टॉप नहीं होना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मेन कुछ ऐसी सवाल भी बताया गया है कि जब आप इन्विटेशन करते हैं तो आप इस तरीके के भी सवाल करते हैं उनके सामने।
सर मैम अगर आपको कोई मौका मिले तो जिंदगी में बड़ा करने का, क्या आप करना चाहेंगे? तो वो पूछेंगे क्या है ऐसा बड़ा, तो इसके लिए आपको समय चाहिए। इस तरीके से समय बताइए, अपना जो वेन्यू का टाइम बताइए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सर मैम क्या आपने अपना और परिवार का भविष्य का कोई लक्ष्य बनाया, या किसी को भी आप तीसरा हमेशा बार बार हमारे महागुरु जी बोलते हैं अविनाश गुरु जी, क्या दोस्त जिंदगी बदलना चाहते हो, डू यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, इस तरीके का सवाल करें तो वो पक्का आपको क्या चीजें इंक्वायरी पक्का करेगा। तो इंक्वायरी करेगा तो दोस्तों वही डोंट्स एंड डूज की बातों को दिमाग में रखें। इस तरीके से आप इस पैनल के माध्यम से, इस शब्दों के माध्यम से, इस बातों के माध्यम से हर किसी को ये जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका इनविटेशन सेशन दमदार होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनविटेशन करते समय अपने आप को एक बेशरम मानना है, अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बेशरम, नंबर वन बेशरम मान के किसी के सामने जाना है। क्योंकि दोस्तों बेशरम ही सामने वाले से बात कर सकता है, बेशरम ही सामने वाले से अपनी विचार दे सकता है, बेशरम ही अपने सपने के प्रति पागल होने के लिए शर्म नहीं करता है। तो अपने आप को आज के बाद इनविटेशन को करना नहीं है दोस्तों, बेशरम बन के आंदोलन बनाना है, तब जाकर आप अपने बिजनेस में बहुत जल्दी सिल्वर बनेंगे, बहुत जल्दी गोल्ड बनेंगे, टोपाज बनेंगे, पर्ल बनेंगे, एमरल बनेंगे, रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे, और एक दिन इसी सिलसिला के साथ आप क्राउन एम्बेसडर बनके आप अपने परिवार की परमानेंट खुशी दे सकते हैं दोस्तों। ये सारा काम आपका ये इन्विटेशन करने से होगा। अगर जिनको इन्विटेशन करने में शर्म आ रहा है दोस्तों, तो वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बोलना पड़ेगा, तो दोस्तों या तो वहां जाके बोलना पड़ेगा जो चंद हजार में हमें मालिक डंडा देकर बोलने के लिए बोलेगा, बैंक में या शॉपिंग मॉल में या हॉस्पिटल में या कोई फैक्ट्री में, या तो दोस्तों अमीर बनने के लिए आप अपने व्यवसाय में बोलना पड़ेगा, जहां बोलने से आपकी जिंदगी बदलने वाला है, आपका दुनिया बनने वाला है, और आपकी एक दिन पहचान बनने वाला है, और आपकी लग्जरी लाइफ होने वाला है। तो दोस्तों यहां आकर ये जो हमारा सेशन समाप्त होता है, तो दोस्तों अगर इन बातों को मैंने भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो दोस्तों अभी भी इनविटेशन का एकदम फाइनल एंड फिक्स फॉर्मूला मेरे को भी नहीं मिला है, मैं भी ट्राई करता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे सीनियर ने बोला है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये SW5 रूल से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तेरे मन में यही उत्साह होना चाहिए, कोई तो तेरे जैसा ठेमथापा पागल गई है, तू काम करता रहा, चलता रहा, लोगों से बोलता रहा, तेरा बॉलिंग करते रहिए, तेरा विकेट एक दिन जरूर मिलेगा। तो ये ज्ञान दिया, क्योंकि दोस्तों मैं सारे लोगों से यही बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान आज की डेट में बहुत बड़ा बाजार है, इस बाजार में 135 करोड़ की आबादी है। तो दोस्तों कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से, जानदार तरीके से आप लगे रहिए, डटे रहिए, आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा दोस्तों, आप बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों रुकना मत, चलते रहना, बोलते रहना, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम, ऐसा करते रहिए दोस्तों, आप जरूर नेटवर्क मार्केटिंग में सेफ शॉप के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनके अपना इतिहास बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज इस चैनल से आप लोगों के सामने अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मैं अपने महागुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस सेशन के लायक समझा और मुझे यहां पर बोलने का परमिशन दिया। तो महागुरु जी, अविनाश गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, और सभी चैनल पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आज आप जलवा करके दिखाएंगे, कुछ भी करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।